दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि मणिपुर जहां पर 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, 100 से ज़्यादा मंदिर, 200 से ज़्यादा चर्च तोड़ी गई है, जलाई जा चुकी है, उसको मणिपुर को मणिपुर के हवाले छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री अमेरिका उड़न छू चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात जो हर महीने के आखिर में बोली जाती है वो 18 जून को बोली, क्योंकि वो निकलने वाला था। उनको लगा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मेरा 3 दिवसीय कार्यक्रम है, तो मैं रास्ते में कहाँ बोल पाऊंगा, कैसे बोल पाऊंगा। 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की और 18 जून का वो दिन जब मन की बात की गई तो मणिपुर देश का एक ऐसा राज्य जहाँ कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के आपस में जातीय संघर्ष चल रहा है, मैतेई समुदाय के बीच में कुकी समुदाय के बीच में मैतेई समुदाय के लोग जा पाने की हिम्मत न जुटा पा रहे हो, उसके विषय में प्रधानमंत्री ने मन की बात में एक शब्द नहीं कहा। इसका मतलब है देश के एक राज्य मणिपुर जहां जल रहा हो, इंसान इंसान की हत्या कर रहा हो, मंत्री और उनके विधायकों के घरों को जलाया जा रहा हो, वो भी सुरक्षित ना हो, प्रधानमंत्री के मन में उसके प्रति स्थान नहीं है। 18 जून का दूसरी बड़ी घटना गलवान घाटी का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां 20 निहत्य जवानों की हत्या कर दी गई, क्षेत्र को अधमरा कर दिया गया था। 15 जून 2020 का मैं जिक्र कर रहा हूं, 19 जून को आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, तब प्रधानमंत्री ने कुछ बोला था, वो बोला तो बहुत बेहुदा था, ना कोई गुस्सा है, ना गुस्सा आया, ना हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है, बहुत झूठ बोला था। लेकिन गलवान में जवानों की शहादत पर भी नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला, न मणिपुर की जनता के लिए सम्मान है, न देश के लिए शहादत देने वाले जवानों के प्रति मोदी के मन में सम्मान है। लेकिन क्या है, जो 6 जून का चक्रवात तूफान आया गुजरात में, उसके प्रति मन की बात में चर्चा की, उसकी रफ्तार मात्र 140 थी। और आपको बताता हूं 3 मई को यह संघर्ष शुरू हो गया था, जातीय संघर्ष। 27 दिन बाद अमित शाह मणिपुर जाने का साहस कर पाए, 30 मई को 27 दिन तक। देश को जानना चाहिए कि अमित शाह कहां रहा 27 दिन तक, क्या कारण है कि देश का गृह मंत्री मणिपुर जाने से 27 दिन तक कतराता रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं मणिपुर में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं हाओ किप, उसने बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया, उग्रवादी संगठन है, कहा कि 2017 में चुनाव जीतने के लिए हेमंत शर्मा जो असम का मुख्यमंत्री है और राम माधव जो आरएसएस का माधवन जो आरएसएस का तरफ से भाजपा में नेता है, इन दोनों ने उग्रवादी संगठन यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट से मदद ली चुनाव जीतने के लिए 2017 में। आप समझ लीजिएगा, अगर उसकी निष्पक्ष जांच हो तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा बनता है, असम के मुख्यमंत्री पर और राम माधवन पर। हर वो कह रहा है राम माधवन, हमको तो बहुत लोग मिलने आते हैं, ये भी मिलने आ गए होंगे क्योंकि केंद्र में सरकार है, तमाम व्यवस्था। रजत शर्मा कह रहे हैं कि मोदी जी गुजरात को बचा लिए चक्रवात से। आ रहा हूं रजत शर्मा नहीं, गृह मंत्री ने 6 जून को जब आया तो 17 जून को हवाई दौरा किया और हवाई दौरा करके कहा कि देखो एक भी व्यक्ति की 140 की रफ्तार से आया, वो तूफान की रफ्तार 150 से ज्यादा की रफ्तार पे गाड़ियां चलती है, कार दौड़ा रहे लोग सड़कों पर, उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। लेकिन देखिए आंकड़े दिए हैं गृह मंत्री ने, 108,208 नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर। मैं बधाई देना चाहता हूं कि सब लोग सुरक्षित रहे, अच्छी बात है, उसकी रफ्तार कम थी। 73,000 पशुओं को भी जो मवेशी हैं उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। लेकिन अगर मैं पूछूं अमित शाह आंकड़े दो, कुकी और मैतेई जातीय संघर्ष में मणिपुर में कितने बच्चे जिंदा जलाए गए, कितनी महिलाएं, कितने लोगों को मारा गया, काटा गया, कितने मंदिर और चर्च को जलाया गया, तोड़ा गया, तो अमित शाह के पास आंकड़ा नहीं है। मैं ये बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं देशवासियों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मन में जितना सम्मान गुजरात और गुजरात के प्रति है, उतनी नफरत गैर गुजराती और गुजरात के बाहर के भूभाग से है। मैं इसका सबूत आपको देता हूं, आपको याद दिलाता हूं, मैं जब 24 मार्च को सुनिए तालाबंदी हुआ था 2020 में कोरोना को लेकर के, उसके बाद 1800 गुजराती फंस गए थे उत्तराखंड के हरिद्वार में,
उनको इज्जत के साथ गुजरात पहुंचाने के लिए 27 तारीख को उत्तराखंड रेड रोडवेज की गाड़ियां लगाई गई और 1800 गुजरातियों को बाई इज्जत बसों में बिठाकर गुजरात पहुंचाया गया। जिस वक्त भारत की सड़कों पर 10 करोड़ से ज्यादा भारतीय पैदल चल रहे थे, उन्हें पुलिस लाठियों से पीट रही थी, वो भूखे प्यासे पुलिस की लाठियां खा रहे थे, सड़क पर गाड़ियों से कुचले जा रहे थे, गाड़ी रेल की पटरियों में रेल के द्वारा आपने देखा उनके टुकड़े टुकड़े तक भी हुए कटने से। ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। जब देश में तालाबंदी लॉकडाउन होता है तो गुजरातियों को पहुंचाने के लिए बसों का काफिला लग जाता है और गैर गुजरातियों को पीटने के लिए लठैत बन करके पुलिस सड़क पर कूदती है। उसी प्रकार मणिपुर में जहां कुकी और मैतेई के बीच में बड़ा संघर्ष, जातीय संघर्ष, खून एक मैतेई समुदाय के लोग खून के प्यासे, कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय के खून के प्यासे हैं। प्रधानमंत्री जो उड़न खटोला पकड़ के अमेरिका चले जाते हैं और गृह मंत्री उड़न खटोला पकड़ करके गुजरात का भ्रमण शुरू करते हैं। क्या कहा कि देखिए ये जो तूफान आया है इसको लेकर के विपर्जॉय जो तूफान है इसको लेकर के कहा गया है कि इसकी चेतावनी से लेकर के उसका ठंडा पड़ जाने तक पूरे हमने डॉक्यूमेंट्स किया है और ये देश में प्रचार प्रसार का बड़ा जरिया बनेगा। मतलब तूफान की रफ्तार अगर कम थी तो उस तूफान की रफ्तार में जनहानि नहीं हुई तो भाजपा इसे कैश कराएगी। और जो मणिपुर में कोई तूफान नहीं आया, मणिपुर में मोदी सरकार के फेलवर के कारण वहां पर 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। वहां तो आपको पता होगी माँ बेटे को भी जिंदा एम्बुलेंस में तक जलाया गया जबकि अमित शाह वहां पहुंच चुका था। तब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, आपसे अपील करता हूं मैं मणिपुर के बुद्धिजीवियों से, वहाँ के शिक्षकों से, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं से, वहाँ के नौकर साहब से, वहाँ के पुलिस अधिकारियों से, भाजपा का इतिहास है, जिस राज्य में खून खराबा नहीं होगा वहाँ भाजपा लंबे समय तक नहीं टिकती है। खून खराबा हुआ 2002 में तो गुजरात में लंबे समय से राज चल रहा है, उत्तर प्रदेश में एंट्री से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आप देखो वहाँ दंगा कराया गया तो उत्तर प्रदेश में कायम है। मुझे लगता है कि ठीक इसी प्रकार मणिपुर में भी कुकी और मैतेई समुदाय को लड़ा करके आपस में वहां पर अपना अपराजय किला कायम करने के लिए भाजपा आरएसएस ये षड्यंत्र कर रहा है। मैं इसलिए आप सब वहां के जो बुद्धिजीवी क्या लग रहा है 2024 की तैयारी अब शुरू हो चुकी है धीरे धीरे। देखिए 2024 की तैयारी धीरे धीरे नहीं, अमित शाह नरेंद्र मोदी ने कहा हम 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, हम सब काम चुनाव को लेकर करते हैं। मणिपुर में भी कुकी और मैतेई को लड़ाने का भी षड्यंत्र 2024 में एक लोकसभा सीट के लिए होगा, ये भी मैं मानता हूँ, ये आप समझ लीजिएगा। लेकिन उनका तो 24 घंटे चुनावी मोड में होते हैं। अगर हम ये कहेंगे कभी प्रधानमंत्री कहता है मैं चौकीदार हूँ, कभी कहे मैं जन सेवक हूँ, कभी कुछ, लेकिन हम ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ आरएसएस बीजेपी का प्रचार मंत्री भर है। प्रधानमंत्री के पद की उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम जो है दो समुदाय के बीच लड़ा के राजनीति नहीं करते हैं। अरे भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसी पर आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे देश के अंदर अभी आए ना विप्रोजॉय जिसका 140 की रफ्तार है, अब वो गाल बजा रहे हमने बचा लिया, लेकिन इससे पहले एक वीडियो आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री ने कहा इस देश में लोगों की ठंड सहने की उम्र क्षमता कम हो गई है, क्लाइमेट चेंज का मामला नहीं है, जलवायु परिवर्तन का मामला नहीं है। आपको बताता हूं बदायूं में लू लगने से 68 लोगों की पहले जान चली गई थी, 14 लोगों की और जान चली गई है। अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप पूछेंगे वो कहेंगे नहीं नहीं क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ, जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ, ये जो अभी आया चक्रवात वो ऐसे ही लोगों को अंदेशा हो गया होगा कि वहाँ तेज हवा चल रही है, लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया होगा। हम ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री तो ये भी कहेंगे अब कि लोगों को गर्मी सहन करने की लोगों की क्षमता कम हो गई है, असल में बदायूं में लू नहीं आई थी। अब सर मैं फिर ये कहना चाहता हूँ इनका इतिहास है, देश के अंदर जहाँ अगर दंगे नहीं होंगे, जहाँ दंगे नहीं होते हैं उस राज्य में भाजपा राज नहीं कर पाती है, ये इतिहास उठाकर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे। मोदी जी के राज में सब सुरक्षित है, दंगे की बात ही नहीं हो सकती है। कौन से एक मिनट एक मिनट, मणिपुर में मैतेई समुदाय के बीच में कुकी समुदाय के लोगों को जा पाने का साहस नहीं कर पा रहे,
और कुकी समुदाय के बीच में मैत्रेयी समुदाय के लोग जा पाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ लीजिएगा, देश की आजादी के 75 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक उसी तर्ज पर जिस तरीके से इन्होंने गोधरा में कार सेवकों की बोगी जलवाकर हिंदू और मुसलमान करवाया था, उसी तरीके से। लेकिन मैं फिर आपके पास एक बात करना चाहता हूँ, देश की सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि असम के मुख्यमंत्री और राम माधवन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के नेता के आरोप की जांच की जानी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि फिर मैं कहना चाहता हूँ, यह षड्यंत्र है जातीय संघर्ष में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का। मैं अपील करता हूँ सभी बुद्धिजीवियों से वहाँ शांति बनाने में मदद करें। धन्यवाद।